ट so आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज पेपर यहां पर एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पेज ऑपरेशन ऑन फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेरठ आर आर टी एस कॉरिडोर टू स्टार्ट बाई मार्च ठीक है तो सत्रह किलोमीटर दुबई साहिबाबाद प्रियोटी को यहां पर लेट मार्च से स्टार्ट किया जाएगा ऑफ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिश सिस्टम ट्रेन कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑपरेशन बाय लेट मार्च दिस ईयर ठीक है नाव ये जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देगा ऑफ कम्प्यूटर इन देशनल कैपिटल रीजन ठीक है सहीबाबाद और ये दो कॉरिडोर है इसमें लगभग पाँच स्टेशन होंगे ठीक है पाँच स्टेशन के नाम लिख लीजिएगा साहिबाबाद गाज़ियाबाद गुलदार दुबई एंड दुबई टिपोर्ट्स ठीक है तो यहां पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑफिस के द्वारा कहना है उनका कहना है कि जो ट्रेन होंगे उसमें इनिशियली सिक्स कोचेस होंगे और ये लगभग एक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होंगी जो कि दिल्ली मेट्रो के हिसाब से तीन गुना ज्यादा है ठीक है दिल्ली मेट्रो के हिसाब से तीन गुना ज्यादा तेजी से ये चलेंगी ठीक है फॉर द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर ईच प्लेटफॉर्म विल हैव स्क्रीन डोर विच विल इक्विप्ड विद इमरजेंसी बटन ठीक है तो कम्यूटर की सेफ्टी के लिए यहां पर हर स्टेशन पे आपका यहां पर स्क्रीन डोर होगा और विथ इमरजेंसी बटन इन केस ऑफ इमरजेंसी ठीक है तो ऑफ सिक्स कोचेस में आपको मैं बता दूँ जो छह कोचेस रहे हैं उनमें से कौन कौन से किस -किस में क्या क्या होंगे तो एक कोचेस एक कोच आपका प्रीमियम कोच होगा एक फॉर द फीमेल कम्यूटर होगा और जो चार होंगे वो जनरल कोच होंगे ठीक है सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट और प्रीमियम कोच में फैसिलिटीज होंगी फूड्स की बेहेवियर्स की अगेन एंड अगेन ठीक है तो यहां पर मशीनरीज यहां पर रहेंगी उसमें आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी ठीक है ना हर एक सीट पर आपका यूएस बी एन थ्री पिन चार्जिंग पॉइंट्स होंगे जो कि आपको फोन एंड लैपटॉप की चार्जिंग में मदद करेंगे ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होप यू गॉट क्लैरिटी ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी नो न्यू टाइक इन गुजरात गुजरात लाख करोड़ बजट बजट ठीक है है तो गवर्नमेंट ने अपना अनाउंस कर दिया आफ्टर राजस्थान एंड यूपी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान ने भी अपना बजट अनाउंस कर दिया यूपी ने भी अपना बजट अनाउंस कर दिया जो कि मैंने आपको कल के दिन पढ़ाया था ठीक है वन ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर टारगेट रखा गया है योगी जी के द्वारा ठीक है तो अभी ये गुजरात की गवर्नमेंट ने अपना बजट को अनाउंस किया है द गुजरात गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे प्रेजेंटेड 3.01 लाख करोड़ बजट फॉर 2023-2024 ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 2023 और 2024 के लिए यहाँ पर 3.01 लाख करोड़ का बजट लेके आए हैं गुजरात की सरकार ने ठीक है और सिग्निफिकेंट ट्वेंटी थ्री परसेंट राइस एज पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ठीक है तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखें तो तेईस का यहाँ पर राइज हमें देखने को मिला इन द बजट ओके अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके और यहां पर कोई भी न्यू टैक्सेस को प्रपोज नहीं किया गया है ठीक है so, सो हम लोग की हाईलाइट्स को देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीजें यहां पर बताई गई है ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर जो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर है खानुभा देसाई उनका कहना क्या है इन अमृत काल I present a budget which will determine the direction of development of the state for the next 25 फाइव ईयर ठीक है मैं ऐसा बजट प्रेजेंट करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंट बना देगा ठीक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर ठीक है पच्चीस सालों तक यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इस चीज को यहाँ पर डिटरमाइन करते हुए ये बजट को लेकर आए हैं ठीक है पहला यहां पॉइंट क्या है बजट एस्टिमेट्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो अरप्लसड सिक्सटीन पॉइंट एट सेवन करोड़ तो जो बजट किया गया फॉर द सरप्लस ऑफ करोड़ ठीक है पांच लाख करोड़ दिया जा रहा है किसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको बूस्ट करने के लिए पांच लाख करोड़ दिया गया ठीक है टू थाउजेंड लाख करोड़ टू थाउजेंड करोड़ एलोकेटेड टू डेवलप टूरिज्म फैसिलिटीज ठीक है तो जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए टू थाउजेंड करोड़ एलोकेट किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस टू बी बिल्ट इन ईच डिस्ट्रिक्स एंड तालुकाज ऑफ द स्टेट्स ठीक है स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा तो ताकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर जगह बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में हर तालुकाज में बनाए जाएंगे वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स करोड़ एलोकेटेड टू प्रोवाइड होम फॉर वन लैख पीपल्स अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम्स ओवर नेक्स्ट ईयर ठीक है तो वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स करोड़ यहां पर एलोकेट किए गए हैं फॉर दोज पीपल्स आर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना फिफ्टी थाउजेंड न्यू क्लासरूम्स टू बी बिल्ट अंडर अक्रॉस स्कूल्स इन द स्टेट्स ठीक है तो पचास हजार न्यू क्लासरूम्स यहाँ पर बनते हुए आप देखेंगे ओके अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी करोड़ ईयर मार्क्स फॉर मार्क्स फॉर डेवलपिंग न्यू फिशिंग पॉट्स एंड स्प्रेंडिंग फिशिंग पॉट्स ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो पहले से फिशिंग सेंटर्स है ठीक है या फिर जो नए बनाए जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर छह सौ चालीस करोड़ यहाँ पर दिया गया अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके सारी चीजें यहां पर वही है और यहां पर इंपॉर्टेंट है नहीं द बजट ऑल्सो ड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी करोड़ फॉर सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट ठीक है तो इस बजट में बहुत सारी और अदर चीज़ें हैं जिसको इंक्लूड किया गया है जैसे कि यहाँ पर पाँच करोड़ फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दिया गया तीन करोड़ ट्राइबल डेवलपमेंट्स के लिए दिया गया ओके okay? फोर्टी करोड़ फॉर एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स के लिए दिया गया फिफ्टीन करोड़ फॉर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए नाइनटीन करोड़ फॉर द अर्बन डेवलपमेंट एट करोड़ फॉर एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी टू करोड़ फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फाइव करोड़ फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फोर्टीन थाउजेंड करोड फॉर इंडस्ट्रीज एंड माइंस टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बजट में बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैंने आपको बताया ओके होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होता है देन प्लीज लेट बी नो इन कमेंट सेक्शन ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ओके सो so, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ठीक है एक हफ्ते में यहाँ पर दो इंसिडेंट्स हमें एयर इंडिया की तरफ से देखने को मिले हैं अगेन यहाँ पर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है बोइंग सेवन थ्री एट इन्होंने यहाँ पर इसकी यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है केरला में अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पायलट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था फॉर द प्रिकॉशनरी लैंडिंग एंड डाइवर्ट फ्लाइट फ्रॉम आफ्टर अ टेल स्ट्राइक ठीक है टेल स्ट्राइक क्या होता है जब एयरक्राफ्ट के जो पिछला हिस्सा होता है ना जब वो टेक ऑफ करता है तो उस टाइम पे स्ट्राइक कर जाता है रनवे से उसको हम टेल स्ट्राइक कहते हैं ठीक है इन द सेकेंड सच इंसिडेंट इन लेस देन अ वीक ठीक है एक वीक से भी कम में यहां पर आप देखेंगे कि ये दूसरा इंसिडेंट है मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी उसने क्या किया उसमें क्या हुआ जब वहां पर व्हील्स में वहां पर कुछ थ्रेड्स देखने को मिले थे तो इसकी वजह से उसकी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर कराई गई थी नाब ये दूसरा सच इंसिडेंट है जहां पर टेल ट्रेल टेल स्ट्राइक का यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिला है ओके और यहाँ पर त्रिवंतरम पूरम में यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई ओके अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेल स्ट्राइक के बाद ओके अराउंड वन सेवेंटी फोर पैसेंजर्स इंक्लूडिंग सिक्स क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड द फ्लाइट हैड सम इनिक्शियस फेयर आफ्टर द रियर ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्यूलेस हिट द रनवे ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको जैसा बताया एयरक्राफ्ट का जो पिछला भाग है वो रनवे से टकरा गया था इसके इसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक एनिक्शियस मोमेंट यहाँ पर जो वन uh, सेवेंटी फोर पैसेंजर्स से है वो यहाँ पर फेस करते हुए दिखे हैं द पायलट देन रिक्वेस्टेड प्रिकॉशनरी लैंडिंग एंड डाइवर्टेड द फ्लाइट टू दिव त्रिवंतरमपुरम ठीक है जब तक यहाँ पर टेल खत्म नहीं हुआ तब तक यहाँ पर जो जो uh, पायलट है वो यहाँ पर uh, तिरवंतरम एयरपोर्ट के चक्कर काट रहा था आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फ्यूल टू रिड्यूस द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट ठीक है एयरक्राफ्ट का जो वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए वो उसी के चक्कर काट रहा था एंड बाई फ्लाइंग अराउंड द तिरंवंतम एयरपोर्ट ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एयरपोर्ट थॉरिटी को यहां पर कुछ इसके रिगार्डिंग सोचने की जरूरत है ठीक है क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्योंकि अब यहां पर फ्लाइट भी अगर सेफ नहीं रहेगा तो लोग कहां पर ट्रैवल करेंगे ठीक है ट्रेन के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं बस के तो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ठीक है अब यहां पर फ्लाइट अगर सेफ नहीं रहेगी तो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे तो ये यहां पर सोचने की जरूरत है ठीक है तो यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को यहां पर आने की जरूरत है ओके सो ओप यू गॉट क्लैरिटी देखेंगे क्या कुछ होगा इसके रिगार्डिंग ओके सो इसके रिगार्डिंग आगे भी न्यूज आती रहेंगी ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन पहला एडिटोरियल कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं सो so, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नहीं सेकेंड एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट दे आर एन आइडियल पेज ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाव ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट क्यों है पहले भी इस चीज़ को मैंने पढ़ाया कि रैनसम वेरा टैक्स क्या होते हैं कैसे किए जाते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को लॉसेस होते हैं इसकी वजह से रैनसम वेरा टैक्स की वजह से और देखिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है ठीक है ये सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है हर जगह होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है आपको बहुत सारी अदर कंट्रीज है जैसे यूएस रशिया आपका यूनाइटेड किंगडम कोरिया यूरोपियन यूनियन और भी अदर कंट्रीज है जो यहाँ पर साइबर अटैक्स के यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर उन्होंने फेस की हैं ठीक है ज़्यादातर आप रैनसम अटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑथर यह ने यहाँ पर बताया कि जो रैनसम अटैक्स है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक टाइप का अटैक है जो साइबर अटैक है ठीक है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया ओके और इससे बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए लगभग थर्टी करोड़ का यहाँ पर डैमेज हमें देखने को मिला है ठीक है डाटा आज के डेट में किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी प्राइवेट कंपनीज में या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में सेफ नहीं है ठीक है चाहे वो एंड टू एंड ही क्यों ना हो ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर नोट कीजिएगा ओके और ये एक्चुअली जो आपका रैनसमेयर अटैक है ना ये ज्यादातर आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये उसके ऊपर अटैक करता है ठीक है सो तो एक टाइप का ये मालवेयर है जो कि बहुत ही ज्यादा आपका कंप्यूटर सिस्टम को या तो ब्लॉक कर देगा या तो आपका पर्सनल डाटा को वहाँ से निकाल लेता है ठीक है सो तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर होती हुई दिखेंगे ठीक है तो ऐसे ही यहां पर हमने देखा है कि एक बहुत ही पाइवेटल रोल यहाँ पर प्ले किया है साइबर अटैक्स इन द इन दिन द वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन ठीक है आप देखेंगे कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी यहाँ पर जो साइबर अटैक्स है वो यहाँ पर एक पाइवेटल रोल प्ले करते हुए दिखे हैं ठीक है जैसे कि वेरी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स इन वॉर वॉर हेड्स एंड रडार्स एंड रडार्स थे कम्युनिकेशन डिवाइस थे उनको क्या कर दिया गया इन इफेक्टिव कर दिया गया ठीक तो हाँ है तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक्चुअली बताई गई ऑथर के द्वारा तो कंट्रीज को यहाँ पर बैठ कर सोचने की जरूरत है और इसके रिगार्डिंग हमारे इंडिया में सर्ट नाम की एक कंपनी ठीक है सर्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ठीक है तो ये सारी जो डिसीजन से वो हमारे यही लेते हैं ठीक है साइबर एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं ठीक है जो कि कुछ सेट्स ऑफ गाइडलाइंस यहाँ पर यहाँ पर उनको ले वो लेकर आते हैं ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया ने 2022 में क्या किया था इंडिया ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 लेके आया था और यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और या फिर ऐसी कंपनीज जहाँ पर से डाटा लीक होता है बाय एनी अटैक्स तो उनके ऊपर 500 करोड़ का पेनल्टी इंपोज करने के लिए बताया था क्योंकि एक इंडिविजुअल का एक पर्सनल डाटा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ठीक है इवन उसका अगर आधार कार्ड अगर उसने लिंक कर लिया है तो उससे उसकी बहुत सारी डाटा वहाँ पर निकल जाती है उसकी एड्रेस पर्सनल एड्रेस निकल जाता है ठीक है इंसान कहाँ रहता है ठीक है मोबाइल नंबर उससे लिंक होता है बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ से निकल जाती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है गवर्नमेंट के द्वारा हाव

ठीक है इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव अ टोटल वर्कफोर्स ऑफ अराउंड थ्री लाख पीपल इन दिस सेक्टर इन कंट्रास्ट टू वन पॉइंट टू मिलियन पीपल इन द यूएस अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस इस चीज को बहुत ही ज्यादा इस चीज़ को सीरियस मानता है क्योंकि यूएस ये मानता है सारी कंट्रीज ना ही केवल यूएस इंडिया भी यही मानता है कि उनकी जो डाटाज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है बहुत ही ज्यादा कीमती है ठीक है तो इसकी वजह से हमें डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है तो इंडिया में अगर इसके लिए हम देखें तो मात्र तीन लाख लोग हैं जो कि इसके रिगार्डिंग काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तरफ ठीक है लेकिन अगर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज एज कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज की हम बात करें तो जैसे कि यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगभग बारह लाख लोग हैं जो कि इस सेक्टर पर फोकस करते हैं ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस देख सकते हैं नौ लाख का गैप आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके तो इस चीज को यहां पर गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है मोस्ट ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन आर इन प्राइवेट सेक्टर एंड पार्टिसिपेशन रिमेंस लिमिटेड इन इंडिया तो ज्यादातर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ना अगर आप देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटीज के जो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन है ना वो हमारे क्या है प्राइवेट सेक्टर से और जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है जो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है इन इंडियाज साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर दे वुड बी एडवाइज दे वुड बी एडवाइज टू लुक एट द डिजीटल जिनेवा कन्वेंस वेयर थर्टी ग्लोबल कंपनीज हैव साइंड डिक्लरेशन टू प्रोटेक्ट यूजर एंड कस्टमर फ्राम साइबर ब्रिजेस एंड कॉलेबरेट्स विद लाइक माइंडेड इंटर गवर्नमेंटल एंड स्टेट फॉर्मवर्कस ठीक है तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की जिनेवा कन्वेंस डिजिटल जिनेवा कन्वेंस की जरूरत है जहाँ पर आपने सबको पता है कि तीस ग्लोबल कंपनीज ने यहाँ पर साइन किया था कि वो जो यूजर्स है और कंज्यूमर्स हैं उनके जो डाटाज हैं उनको यहाँ पर बचाएंगे ठीक है वो यहाँ पर आ, उनको यहाँ पर वो, वो लीक होने नहीं देंगे ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो ये यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि जो पूरे वर्ल्ड है उनको यहाँ पर बैठ कर लेने की ज़रूरत है और ये जो ज़्यादा आपके साइबर अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे ना ये कुछ ज़्यादा दूर कंट्रीज से आपको देखने को नहीं मिलते हैं नियर बाई कंट्रीज ही आपको देखने को मिलेंगे जैसे इंडिया का अगर आप देखेंगे तो किस किस से दुश्मनी वो आप सब जानते हैं पाकिस्तान चाइना यही सारी कंट्रीज है जो कि यहाँ पर आपको अटैक्स होते हुए आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम आ, अभी मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा हम जैसे रशिया पर अभी कुछ दिन पहले अटैक्स हुआ था साइबर अटैक्स हुआ था ठीक है रशिया यूक्रेन वॉर में ही हुआ था ठीक है तो वहां पर भी हुआ है और यहां पर भी अगर इंडिया में भी अटैक्स होते हैं तो ज्यादातर आप देखेंगे केसेस में पाकिस्तान चाइना या फिर कुछ ऐसी सच कंट्रीज जो कि बॉर्डर से ही रिलेटेड हो वहां से ही मिलेगा तो इस इस सिचुएशन में आपको यहां पर जो आप हम सोचते हैं कि डिजिटल स्पेस सिक्योर हो तो वो कैसे हुआ ये इट विल बी वेरी मच क्रिटिकल ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि आपका डिजिटल स्पेस सिक्योर हो ठीक है इस केसेस में ठीक है दिस ईयर साइबर क्राइम्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉज डैमेज रथ अराउंड एट ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड वहां पर इतना बड़ा नुकसान आप हो सकते हैं कि मतलब कि साइबर क्राइम की वजह से आप डैमेज देख सकते हैं एट ट्रिलियन डॉलर का डैमेज है वर्ल्ड वाइड में ठीक है तो वर्ल्ड वाइड में एट ट्रिलियन एट ट्रिलियन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो इतना जब नुकसान हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग जो पूरे वर्ल्ड है वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पर बैठ बातचीत करने की ज़रूरत है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सकती है ठीक है तो इंडिया ने भी ऐसे ही एक साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज पे साइन किया था जहाँ पर और भी कंट्रीज इंक्लूडेड है जैसे कि आपका यूएस हो गया रसिया हो गया यूनाइटेड किंगडम हो गया साउथ कोरिया हो गया यूरोपियन यूनियंस हो गए ठीक है जो

जिसमें आपका एंटायर यूएन मेंबरशिप एस्टाब्लिश थ्रू अ रेजोल्यूशन बाय रशिया और दूसरा रेजोल्यूशन बाय यूएस ठीक है एक क्या था सॉरी एक में किसका रेजोल्यूशन था रशिया का और दूसरा में किसका रेजोल्यूशन था यूएस का ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रुप गवर्नमेंटल एक्सपर्ट कंप्राइजिंग 25 कंट्रीज फ्रॉम ऑल मेजर रीजन ठीक है तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइबर अटैक्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स को भी सोचने की जरूरत है इंडियन गवर्नमेंट्स को भी एक्टिव रहने की जरूरत है बहुत सारे ऐसे पहले अटैक्स हुए हैं ओके और ना ही सिर्फ ना ही केवल आपका ये रैनसम वेयर बॉट की और भी वेरियस टाइप्स के अटैक्स हैं जो कि किए जाते हैं और डिजिटली किए जाते हैं और आपको ये पता भी नहीं चलता है ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आपका जो फोन में कुछ भी आता है जो आपको पता नहीं है ठीक है चाहे वो किसी भी मैसेज से रिलेटेड हो लिंक हो कुछ भी हो आपको पता नहीं है तो उस चीज को आप मत कीजिए ठीक है अदरवाइज आप ही को नहीं पता चलेगा कि आपका डाटा कब आपके फोन से निकलता जा रहा है ठीक है आपको यह पता नहीं चलेगा ठीक है सो आप मुझे यह बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए इन केस भगवान ने कहा कभी किसी के साथ ऐसा हो अगर आपका फोन या फिर मेरा फोन अगर हैक हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन हैक हो गया है ठीक है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिसका कमेंट अच्छा लगेगा उसको मैं पिंडअप कर दूंगा अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूफ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ओके यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं इंडिया शुड ऑफर वीट टू पाकिस्तान सेज़ आर एस एस लीडर ठीक है तो आर एस एस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी किशन गोपाल ने कहा कि इंडिया को ऑफर करना चाहिए वीट टू पाकिस्तान इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही है ठीक है लगभग ढाई सौ किलो आपको यहाँ पर वीट बिकती हुई दिखेंगी ठीक है तो पाकिस्तान में तो ऐसे टाइम पे इंडिया को हेल्प करनी चाहिए पाकिस्तान की लेकिन पाकिस्तान ऑफ ऑफकोर्स इंडिया से अगर हेल्प मांगेगा नहीं तो हम थोड़ी जाएंगे उठ के वो उनको हेल्प करने के लिए ठीक है तो उनको मांगना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलेंगे और हम यहाँ पर उनकी मदद करते रहे बाद में वो फिर वो पलट जाते हैं ठीक है थीके? तो नेवी सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये पहला ऐसा आई सिंधु केसरी था जो कि यहाँ पर डॉक किया इंडोनेशिया में इन लाइन विथ एक्सपैंडिंग मिलिट्री ऑपरेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड इंडियन नेवी किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन आई एन एस सिंधु के स्री डॉक्ट इन जकार्ता इंडोनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम फेव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पहली बार यहाँ पर इसने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की है कहाँ पर जकार्ता इंडोनेशिया में ठीक है नाव ये सुंदा ट्रेंच से होते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है सबमरी वॉज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ट्रेवल थ्रू द सुंदा ट्रेंज अंडर टोक द मेडन डॉकिंग इन इंडोनेशिया फॉर ऑपरेशनल टर्न अराउंड ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए ओके इंडिया हैज स्टीडली एक्सपेंडेड इट डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन विद्रीज इन द रीजन्स इन मैनी पार्ट एंड मेनी पार्ट ऑफ विच आर इंगेज इन डिस्प्यूट विद चाइना एंड साउथ चाइना सीज ठीक है तो ऐसे कंट्रीज के साथ इंडिया इंगेज है इन इन द एक्सपेंसन ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटीज का ऑपरेशन जहां पर जिस कंट्री जो कंट्री एक्चुअली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है चाइना या फिर साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट से ओके अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओके

उन्होंने यहां पर डॉक किया है इंडोनेशिया में इसका नाम लिख लीजिएगा आई एन एस सिंधु केसरी ओके सो होप यू गट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ओके बर्डर्स डिलाइट बंगाल रिपोर्ट फोर एट्टी नाइन स्पीसीज ड्यूरिंग काउंट अगेन यहां पर एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि किस, किस किस स्टेट में कितनी कितनी बर्ड की स्पीसीज यहां पर लाइक करती है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड फॉलोइंग बाई उत्तर उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ठीक है लिख लीजिएगा जी बी बी सी ठीक है जी बी सी जी बी बी सी ओके नाउ वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे ठीक है बर्ड की सबसे ज़्यादा स्पीसीज आपको लाइक करती हुई कहाँ देखने को मिलेंगी वेस्ट बंगाल में उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर उत्तराखंड और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश ठीक है ये एज पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के हिसाब से बताया गया थर्टी फाइव स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज फ्रॉम द फेव ट्वेंटी फ्रॉम द फेव सेवेंटीन टू ट्वेंटी ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सत्रह से लेकर बीस तारीख तक ये यहाँ पर ये यह मुहिम चलाया गया ठीक है वाइल्ड वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड फोर एटी नाइन स्पीसीज ठीक है तो बर्ड की स्पीसीज कितना है वेस्ट बंगाल में फोर एटी नाइन उत्तराखंड में फोर ट्वेंटी सिक्स आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 407 असम में तीन सौ सन्तावन और कर्नाटका में तीन सौ इकहत्तर के आसपास आपको स्पीसीज यहां पर देखने को तो मिलेगी अक्रॉस 35 स्टेट है कि यहां पर आपका 25 स्टेट होगा मेरे को जहां तक पता है ठीक है तो 25 फाइव यहाँ पर देख लीजिएगा करेक्शन ओके तमिलनाडु एंड केरला टूक एट्थ द नाइन्थ स्पोर्ट्स तो विद 349 एंड 330 थर्टी थ्री ट्वेंटी फाइव स्पीसीज ऑफ बर्ड्स केरला ऑन द अदर हैंड रिकॉर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ चेक लिस्ट ऑफ बर्ड्स ठीक है तो केरला सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईस्ट नंबर ऑफ चेक लिस्ट ऑफ बर्ड्स में यहाँ पर केरला का नाम दर्ज हुआ ओके और उसके बाद केरला के बाद यहाँ पर आपका महाराष्ट्र दिखेंगे ठीक है उसके बाद तमिलनाडु केरला में कितना यहाँ पर लगभग सात सॉरी नौ हज़ार सात सौ अड़सठ लिस्ट यहाँ पर पब्लिश हुई अब द बर्ड्स महाराष्ट्र में सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टीन लिस्ट एंड तमिलनाडु में सिक्स थाउजेंड नाइन्टी एट लिस्ट हो गई ओके बी सी इज एन इनफॉर्मल पार्टनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स वर्किंग टूगेदर टू इंक्रीज कलेक्टिव कलेक्टिव नॉलेज अबाउट बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन ठीक है तो बी सी आई क्या है बी सी आई एक इन्फॉर्मल पार्टनरशिप है ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी ग्रुप्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती है किसी भी बर्ड्स uh, की डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज नॉलेज को लेने में या फिर उनकी जो पॉपुलेशन है उसको लेने में ओके सो गैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है बर्ड की जो स्पीसीज है उनको यहाँ पर चेक करती है ठीक है बर्ड्स से रिलेटेड जितनी भी uh, चीज़ें हैं वो यहाँ पर काम करती हैं ठीक है इंडिया वॉज अमंग वन नाइन्टी कंट्री डैट

और टू बेटर अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट बर्ड स्पीसीज ठीक है तो यहाँ पर जो डाटा लिया गया है उनसे बर्ड की जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा उनको समझा जाएगा साइंटिस्ट uh, के द्वारा ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी बी सी आई के बारे में आपको पता चल गया होगा ना एक ये एक इन्फॉर्मल पार्टनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक ग्रुप्स है जो कि काम करते हैं बर्ड्स के ऊपर बर्ड्स की पॉपुलेशन के ऊपर बर्ड की स्पीसीज के ऊपर काम करते हैं ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड सेक्शन पे आते हैं यूएस प्लेस टू गिव टू बिलियन डॉलर इन वेपन्स एड टू यूक्रेन ठीक है तो यहां पर यूएस ने प्लेस किया है कि वो दो बिलियन डॉलर वेपन्स यहाँ पर यहाँ पर पैसे तो देंगे देंगे लेकिन वेपन्स भी देंगे इन एड्स तो टू यूक्रेन ठीक है तो यहाँ पर हम चीजें को समझेंगे कि क्या क्या उन्होंने देने की बात की है ठीक है स्मॉल एंड हाई ट्रेक ड्रोन इन टू द फाइट्स ठीक है स्मॉल एंड हाई हाईटेक्स जो ड्रोन है वो यहां पर प्रोवाइड करेंगे वेरियस एंड वेरियस राउंड ऑफ एमिनेशन आर्म्स एंड ये सारी चीजें यहां पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है यहां पर ड्रोन्स की भी बात की गई है ठीक है ड्रोन्स इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर डिटेक्शन इक्विपमेंट्स ठीक है यहां पर ऑल्सो इन्होंने पैसे भी दिए हैं पैसे भी देंगे ये बोला है इन्होंने कि पैसे भी देंगे फॉर एडिशनल एमिनेशन और फॉर हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ठीक है आर्टिलरी राउंड ऑफ्यूटेशन एंड फॉर लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम ठीक है ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब तक इन्होंने थर्टी बिलियन की uh, यहां पर सिस्टम दे चुके हैं ये यूक्रेन को इन रशिया इनविजन ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है ठीक है यहां पर चाइना ने कहा है कि चाइना कॉल्स फॉर रशिया एंड यूक्रेन सीज़ फायर ठीक है चाइना ने कहा है कि यहाँ पर सीज़ फायर होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है क्योंकि वर्ल्ड को बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस हो रहे हैं लेकिन चाइना ऑफकोर्स यहाँ पर पीठ uh, पीछे कुछ कहता है और मुँह पे कुछ कहता है मुंह पे कहता है कि हम रशिया को सपोर्ट करते हैं ऑफकोर्स करता है मैं मानता हूँ कि रशिया को सपोर्ट नहीं करता है। करता है लेकिन पीठ पीछे कहता है कि सीज़ फायर कीजिए ठीक है ठीके? इस इस लड़ाई को रोकिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहते हैं ओके और रशिया पे अगर आप देखें तो अब तक से अब तक आप आप देखें तो यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा यहाँ पर सैक्शन इंपोज कर दिए जा चुके हैं ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा सो दैट सेट फॉर टूडेज वीडियो एनलिस आपको अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग आ वीडियो थैंक यू डे